हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही छोटी वीडियो लेके आई हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, हमने बहुत बार आपने लहंगे बनाए होंगे, बहुत बार आपने पेटीकोट की सिलाई की होगी, बहुत बार आपने लहंगे को स्टिच किया होगा। तो जब हम लहंगे को स्टिच करते हैं तो हमारा लहंगा तो बनने में स्टिचिंग हो जाता है, लेकिन जब हम उसका नेफा लगाते हैं तो उसकी नेफा लगाने में हमें प्रॉब्लम आती है। नेफे में कई बार हमारे सल आ जाता है, कई बार व्यवस्थित बैठ नहीं पाता है। तो उसके लिए मैंने आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो तैयार किया है, जिसमें आपको नेफा लगाने का, अगर आपने इस वीडियो को फॉलो किया देखा तो आपको कभी भी नेफा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, ये मेरे पास अभी त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, इसीलिए हम कई बार साड़ी के साथ भी जब हम लहंगे तैयार करते हैं, पेटीकोट तैयार करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें नेफे में आती है, क्योंकि नेफा कई बार क्या होता है, हम ऊपर से खींचकर लगा देते हैं या व्यवस्थित कटा नहीं होता, तो उसके कारण दिक्कत आती है। तो देखिए, ये मेरा राजस्थानी बेस का लहंगा है जिसमें नेफा स्टिच करा हुआ नहीं आया है, तो मैं इसी नेफे को आपको स्टिच करना बताऊंगी, जिसे आप घर में भी आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, उसके लिए हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, आप कॉटन का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये जो लहंगे के मैचिंग का कपड़ा है वही लूंगी, क्योंकि इसके कपड़े थोड़े से पतले आते हैं, जब हम इसे लगाते हैं तो इसमें झोल आ जाता है। तो अब आपको इसको कैसे कटिंग करना और कैसे इसको लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको देखिए, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और आपको लगभग 4.5 इंच चौड़ा पट्टा निकालना है, जिसे हम 4.5 इंच की चौड़ाई को रखेंगे, ताकि वो बनने के बाद जो हमारा बेल्ट है वो 2.25 या 2 इंच का हमारा तैयार रहेगा। तो देखिए, मैं 4.5 इंच का पट्टा यहाँ पे निकाल रही हूँ। देखिए, हम एक साथ 2 पट्टियां निकाल लेंगे। देखिए, इस प्रकार से हमने 2 पट्टियां एक साथ निकाल ली हैं। अब देखिए, इस प्रकार से आपको इनको दोनों पट्टियों को, अगर आप चाहें तो इसमें अस्तर भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप इस प्रकार से, अगर आपके पास पतला कपड़ा है तो आप इस तरीके से डबल करके भी इसे लगा सकते हैं। पहले आप इसे डबल कर लीजिए, एक सिलाई से आपको इसे डबल करना है। देखिए, ये एक तरफ से हमने पूरा इसे डबल कर लिया है, एक तरफ से हम खुला ही रखेंगे, एक तरफ से डबल करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब हम इसको आगे की तरफ से इस प्रकार से मोड़ देंगे, आगे की तरफ से हम नेफे का जो मुंह बनाएंगे वो इस तरीके से मोड़ देंगे। देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ आपको इसी तरीके से लगा लेना है। देखिए, हमने पूरे नेफे में डबल सिलाई लगा ली है, नेफे का ऊपर का हिस्सा भी हमने बना लिया है, जहां से हमें नाड़ा या डोरी डालनी रहती है। अब आपको इसका एक सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है। देखिए, ये मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट का निशान लगाऊंगी, दोनों पट्टी को डबल करके हमने सेंटर का निशान लगा लिया। अब जो हमारे लहंगे की कमर हमने तैयार की है, देखिए, ये हमने इस कमर, लहंगे की कमर तैयार की है, और जो भी आपकी कमर है, कमर में आपको 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर नेफा तैयार करना। जैसे अगर आपकी 36 कमर है तो आपको 40 कमर रखनी है, और वो अलग अलग मेथड रहता है कि जैसे कई लोगों को बिल्कुल फिक्स चाहिए, उनको बिल्कुल भी सल नहीं चाहिए, तो वो तरीके आप आगे जो वीडियो आएंगे उनमें देख सकते हैं। लेकिन जो हम लहंगे के लिए कमर रखते हैं, नेफा लगाएंगे, तो उसमें लहंगे के लिए हम कमर के अंदर 4 इंच जोड़ेंगे। अगर आपकी 36 की कमर है तो हम 40 इंच का बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये हमने कमर के हिसाब से बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब देखिए, ये जो सिलाई वाला पोर्शन है हमें इसे ऊपर की तरफ रखना है, और नीचे वाले कच्चे पोर्शन को हमें नीचे की तरफ रखना है। देखिए, यहाँ भी हमने अस्तर से इसको मेन कपड़े को अटैच कर लिया है। ये वीडियो प्रॉपर नेफे के लिए है, इससे लहंगे का हमारा कोई वो नहीं है। देखिए, अब आपको जो नेफा लगाना है वो किस तरीके से लगाना है, आपको इस तरीके से लगाना है। देखिए, ये जो हमारा सीधा भाग है, हमारा सीधा भाग ऊपर की तरफ आना चाहिए, इस तरीके से आप इसे अटैच करते जाएंगे, इस तरीके से हम इसे अटैच करते जाएंगे। अगर आपका, एक बार आप इस घेरे को माप भी लीजिए कि आपका घेरा कम ज्यादा हो, तो आप इसमें बीच में सल भर सकते हैं। आपको बिल्कुल छोटे छोटे सल भरने हैं इसमें बीचों बीच, कली के बीचों बीच। कमर में आपको इसी प्रकार से नेफे को अटैच कर देना है। आपको नेफा बिल्कुल भी खींचना नहीं है, जैसा आपका नेफा है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको इसे रखना है।
देखिए ये मैंने यहाँ पे निफा पूरा अटैच कर लिया है एक बार सिंगल सिलाई में। अब देखिए मैं इसको आपको डबल करने का तरीका बताती हूँ जो कि हमारा मेन पार्ट है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती। देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो हमारा ऊपर का जो हमारा जो भी पार्ट निकला हुआ है इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा। देखो जो हमारे काफी व्यूअर्स है जब हम स्टिचिंग बताते हैं तो उन्हें मैचिंग धागा जब वो देखते हैं तो उनको स्टिचिंग समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने थोड़ा अदर कलर का धागा लिया है ताकि आपको इसकी स्टिचिंग क्लियर हो सके। देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो नेफा है हमारा इसको हमको इस तरीके से फोल्ड करना है, बिल्कुल पाओ इंच का हमको फोल्ड करना है और फोल्ड कर करके हमको जो हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई पर हमें इसे लगाते जाना है। देखिए कैसे हम लगाएंगे, ये देखिए अब आपको जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बिल्कुल भी नहीं खींचना है। देखिए जो हम ऊपर वाला फोल्ड करेंगे वो आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है और आपको खींचना कौन सा वाला भाग है, नीचे वाला भाग खींचना है ताकि जो आपका नेफा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगे। देखिए इस प्रकार से आप देखिए, अगर इस प्रकार से आप नेफा लगाएंगे तो आपके नेफे में एक भी सल नहीं आएगा, ना कि आपके नेफे में कोई खिंचाव दिखेगा। फोल्ड कर करके आपको बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई लगानी है, एक सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगानी है आपको और दूसरी फिनिशिंग की सिलाई आप ऊपर लगा सकते हैं। आपको ऊपर वाला भाग बिल्कुल भी नहीं खींचना है। देखिए आप देख सकते हैं हमारा नेफा कितना अच्छा और सुंदर लगा है, कहीं से भी आप देख रहे होंगे कोई झोल नहीं दिख रहा है, किसी भी प्रकार का कोई सल मैंने नहीं दिया है और कितने अच्छे तरीके से मैंने नेफे को लगाया है। आप नेफे की ऊपर की सिलाई देखिए और आप नेफे के अंदर की भी फिनिशिंग देख सकते हैं कि अंदर भी हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग से हमने लगाया हो। ये बिल्कुल बुटीक का तरीका है जो हम हमारे बुटीक पे यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप नेफा लगाएंगे तो आपके नेफे में किसी भी प्रकार का कोई सल नहीं आएगा और फिनिशिंग के लिए आप इसमें एक बूट की दूसरी सिलाई भी इस पर लगा सकते हैं।